हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग सुपर ग्रेट। तो आज इस वीडियो में हम एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है यूज़ नेविगेशन हुक। एंड हुक हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में हुक्स पढ़ चुके हैं। हमने काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट हुक्स पढ़े हैं। हमने यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट, यूज़ रेफ जैसे काफ़ी सारे हुक्स ऑलरेडी कवर किए हैं रिएक्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ में। लेकिन अभी हम पढ़ने वाले यूज़ नेविगेशन हुक, जो कि आता है हमारा रिएक्ट राउटर की सीरीज़ के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्ट राउटर का कॉन्सेप्ट है और रिएक्ट राउटर में भी हम डिफरेंट डिफरेंट हुक्स यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें से ही एक है हमारा यूज़ नेविगेशन हुक। ओके, तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये यूज़ नेविगेशन हुक आखिर किस लिए यूज़ होता है? जैसे कि हमारा नाम सजेस्ट कर रहा है, नेविगेशन, इट मीन्स कि हम यूज़ नेविगेशन हुक का यूज़ करते हैं अपने एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करने की। इट मीन्स यदि हमारे पास एक पूरी वेबसाइट है, एक एप्लीकेशन, एक पोर्टल है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, करेक्ट, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होंगे और हमें ऑन अ क्लिक ऑफ समथिंग, ऑन अ क्लिक ऑफ बटन, ऑन अ क्लिक ऑफ इमेज, ऑन अ क्लिक ऑफ एनी टेक्स्ट, इफ़ वी वॉन्ट टू नेविगेट टू एनी अदर पेज, तो उस केस में हम यूज़ नेविगेशन हुक का यूज़ करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में तीन कंपोनेंट्स बनाए थे। एक था हमारा होम कंपोनेंट, एक था हमारा अबाउट और एक था हमारा कॉन्टेक्ट कंपोनेंट। और हमने देखा था कि किस तरीके से हम यदि होम पेज में होने के बाद यदि अबाउट में क्लिक कर रहे हैं तो हम अबाउट पेज में पहुंच जा रहे हैं, हम यदि कॉन्टेक्ट अस में क्लिक कर रहे हैं तो हम कॉन्टेक्ट पेज में पहुँच जा रहे हैं, और ये सब हम कर पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ लिंक। लेकिन आज हम इसी तरीके की फंक्शनैलिटी देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ यूज नेविगेशन हुक। तो फॉर नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल कमेंट दिस लिंक फ्रॉम हियर। एंड अब सपोज करो मेरे पास एक बटन है, जिसका नाम जिसका नाम मैं लिख देती हूँ अबाउट। यस, अब आप देख सकते हैं होम पेज पे मेरे पास एक बटन है जिसका नाम है अबाउट। लेकिन अब मुझे चाहिए कि जब मैं इस अबाउट बटन पर क्लिक करूं, तो इस बटन पे क्लिक करते ही मैं अपने अबाउट पेज में पहुंच जाऊं, अबाउट कंपोनेंट में पहुंच जाऊं। तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? अब ऑब्वियसली बात है, मैंने यहाँ पर एक बटन बनाई है तो मुझे यहाँ पर एक इवेंट हैंडलर लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इवेंट हैंडलर लगाती हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक एंड नाउ ऑन क्लिक में क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने अबाउट पेज पे नेविगेट हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने फंक्शन का नाम लिख लेती हूँ, गो टू अबाउट। और अब मैंने यहाँ पे अबाउट इवेंट हैंडलर लिखा हुआ है तो मुझे इसे डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे एक एरर मिलेगी। तो यहाँ पर मैं फंक्शन गो टू अबाउट लिख देती हूँ। एंड अब यहाँ से हमारा यूज़ नेविगेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। ओके, तो अब हमें क्या चाहिए कि जब हम बटन पे क्लिक करें तो उस बटन पे क्लिक करते ही हम अपने अबाउट पेज पे पहुंच जाए। अब अबाउट पेज पे हम किस तरीके से पहुंच सकते हैं? ओके, तो अभी मैं सबसे पहले अपने हुक को डिफाइन कर लेती हूँ। एंड वी नो दैट कि जो हमारा हुक होता है वो हम अपने कॉम्पोनेंट में सबसे ऊपर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल्स टू यूज नेविगेट। अब देखो जैसे ही मैंने यूज नेविगेट पे क्लिक किया है तो मेरा जो यूज नेविगेट हुक है वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी से। ठीक है, अब ये जो हमारा यूज नेविगेट हुक होता है वो हमारा एक वैल्यू रिटर्न करता है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू नाउ वी कैन नेविगेट टू डिफरेंट पेजेस। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसका नाम नेविगेट रखें। मैंने नेविगेट इसलिए रखा है क्योंकि ये थोड़ा रिलेटेबल लग रहा है मुझे यूज़ नेविगेट से। आप चाहें तो इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, जस्ट द नेम ऑफ वेरिएबल। तो अब हम इस नेविगेट को किस तरीके से यूज़ करते हैं कि हमें डिफरेंट पेजेस में नेविगेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे इसका नाम नेविगेट एंड इसके अंदर हमें जिस भी पेज में नेविगेट करना है हम उसका पाथ डिफाइन करेंगे इन द इन्वर्टेड कॉमास। तो यहाँ पर मुझे पता है मैंने ऐप डॉट जे एस में अपने राउट के अंदर अपने अबाउट पेज का जो पाथ है वो दे के रखा है स्लैश अबाउट। एंड वी नो दैट कि जब भी कोई भी यूजर स्लैश अबाउट को सर्च करेगा तो वो अबाउट पेज में नेविगेट कर जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इस नेविगेट के अंदर हमें सिर्फ अपना उस पेज का पाथ देना होता है। तो यहाँ पर मैं स्लैश अबाउट लिख दूंगी एंड मैं इसे सेव कर दूंगी। तब हम चल के देखते हैं क्या ये हमारा वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं होम पेज है, यहाँ पर मेरे पास एक अबाउट बटन है। अब मैं इस अबाउट में जैसे ही क्लिक करूँगी
तो आप देख सकते हैं कि हम अबाउट पेज में नेविगेट कर गए हैं, और आप लोगों को कोई डाउट ना हो इसलिए मैं अभी यहाँ से ये लिंक को कर देती हूँ कमेंट, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हाय आई एम अबाउट पेज, एंड मैं इसे कर देती हूँ सेव। अभी मैं होम पेज पे हूँ, मेरे पास एक अबाउट बटन है। अब मैं अबाउट बटन पर क्लिक कर रही हूँ और आप देख सकते हैं हाय आई एम अबाउट पेज, हम अपने अबाउट पेज पे नेविगेट कर गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो यूज नेविगेशन हुक है वो कितना ज़्यादा सिंपल है। हमें सिर्फ अपने हुक को ऊपर डिफाइन करना होता है, और ये जो वेरिएबल है, विद दिस वेरिएबल वी कैन नेविगेट टू एनी पाथ। अब मैं चाहूँ कि मैं अबाउट में ना जाके मैं अगर कॉन्टेक्ट में जाना चाहूँ तो मैं यहाँ कॉन्टेक्ट लिख दूंगी और मैं इसे सेव कर दूंगी, एंड वी कैन सी दैट। और मैं इसे बैक कर लेती हूँ। ऑब्वियसली बात है, मैंने अबाउट की बटन बनाई है, लेकिन मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं मैं कॉन्टेक्ट पेज पे पहुंच गई हूँ। ठीक है, तो इट्स जस्ट कि हम जिस चीज़ का भी पाथ देते हैं हम उस पाथ में बहुत ईजिली नेविगेट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट यूज नेविगेशन हुक गाइज। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं अपने रिएक्ट में। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, बट बिफोर लीविंग इफ यू हैव सीन दिस वीडियो टिल हियर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा बहुत सीखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आपका जो भी जेन्युइन फीडबैक है वो ज़रूर लिखना। एंड थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।